भाई देखिए गेरुआ कलर से सजा हुआ है पूरा बनारस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वीडियो वीडियो बन रहा है, पता नहीं क्या है, पता लगेगा जैसे ही पता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अयोध्या का वीडियो दिखाएं आप लोगों को, उसके पहले सर्विद महामंदिर का दिखाएं। तो चलिए आप ले चलते हैं काशी विश्वनाथ महादेव की नगरी। तो महाशिवरात्रि से पहले 10,000 कम से कम कमेंट होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मंदिर यहाँ से 8 किलोमीटर बचा हुआ है, यही देख लीजिए बनारस की गलियां हैं। तो ये सब्जी मंडी है और इसके पीछे दूध मंडी है। दोस्तों देख सकते हैं कितना पोल्यूशन है नदी में, जिसकी वजह से कितनी गंदगी हो गई है, पानी पूरा का पूरा खारा हो गया है, बट अभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए इधर सारा का सारा लग रहा है कचरा पट्टी ही है। देख सकते हैं दोस्तों रोड में कितना जाम लगा है। हम लोगों को 2 घंटा इसी जाम में क्रॉस करने में, लगभग 2 किलोमीटर क्रॉस करने में हम लोगों को 2 घंटा लग गया। आगे रेलवे स्टेशन का जाम है, ट्रेन क्रॉस हो रही है यहाँ पे। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है। तो दोस्तों देख सकते हैं कलर से, आप लोगों को भगवा कलर से पता ही चल गया होगा, जैसे अयोध्या में पता चला था आप लोगों को, वैसे यहाँ पे भी। यहाँ से मंदिर अभी भी 4 किलोमीटर है, उसको जाने में लगभग आधा 1 घंटा लगने वाले हैं। तो मंदिर यहाँ से देखिए 1.5 किलोमीटर है। तो हम लोग फाइनली पार्किंग के पास पहुँच गए हैं। देखिए पार्किंग में कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग से हम लोग निकलेंगे ऐसे ही, इधर तो पीछे है ना, इधर से जाएंगे। पार्किंग से बाहर जाने का रास्ता देखिए, इधर से 4-व्हीलर भी एग्जिट होता है और इधर से मंदिर भी जाया जाएगा। यहाँ से मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे है। दोस्तों मंदिर जाने का रास्ता यहीं से है, इधर गाड़ी वाड़ी अलाउ नहीं है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर कुछ भी अलाउ नहीं है, बट कोई कोई बदमाशी करने के लिए घुस गए हैं। यहाँ पे भीड़ कितनी लगी हुई है। और यहाँ से 15 मिनट कम से कम चलना पड़ेगा पैदल, जैसे ये लोग आ रहे हैं ना दर्शन करके, देखिए आ रहे हैं जिनके माथे पे तिलक लगी हुई है, और ये लोग डेली के पैसेंजर, डेली आना जाना करते हैं। तो दोस्तों देखिए दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग अभी भी मंदिर पहुंचे नहीं हैं, अभी तक कोई खाया पिया नहीं है कुछ। दोस्तों देखिए सब महादेव के दर्शन करने आए हैं, हर हर महादेव। और यहाँ पे आइए तो 2-4 जन को लेके आइएगा साथ में, अकेले मत आइएगा, सामान वामान ढोने में दिक्कत होता है, और खास करके छोटे बच्चे हो तो एकदम ही ना आए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वीडियो बन रहा है, पता नहीं क्या है, पता लगेगा जैसे ही। मंदिर का मेन गेट यही है,
और ले चलते हैं अंदर। मंदिर 200 mm मतलब 200 मीटर दूरी पे है और इधर से ही जाया जाएगा। भाई देखिए गेरुआ कलर से सजा हुआ है पूरा बनारस। यहाँ देश विदेश से बहुत ढेर सारे लोग आते हैं दर्शन के लिए। देखिए यहाँ पे कपड़ा लत्ता सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों देखिए बनारस लॉज होटल एंड रेस्टोरेंट, और देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों दशाश मेघ घाट अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से लगभग 200 मीटर होगा, तो देख सकते हैं यहाँ की गलियाँ कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों फाइनली घाट पे पहुंच गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं घाट पे और ले चलते हैं नीचे यहाँ से। और देख ही रहे हैं अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ढेर सारा पूजा का सामान मिलता है। गंगा जी के पास हम लोग पहुंच गए हैं, कुछ नॉलेज नहीं है। और ये भाई साहब हैं जय श्री राम वाले, घुमाएंगे हम लोगों को। से नाव लिया गया हम लोग, और देखिए ढेर सारी नावें खड़ी हैं और सबका अपर हेड 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ ऐसे करके है, 150 200 ऐसे करके है। तो आप बुक करना चाहते हैं तो यहां से बुक कर सकते हैं। सब घाट घुमाएंगे आप लोगों को। फरीद है हाथ दिखाओ, मुंह दिखाओ। और तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना अद्भुत नजारा है। अरे हाथवा में रखा ना, हाथवा में, हाथवा में। पेगा 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 पेगा। ऊपट्टी मिल जाए चला। तो दोस्तों देखिए कितना अद्भुत नजारा है, और गंगा जी के किनारे देखिए
ये देखिए ये चिड़िया हमारी मम्मी। तो दोस्तों देखिए ये सब चुपचाप बैठे हुए हैं और क्या बोले, देखिए यही किनारे पे सब स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद और इधर से घूमते हुए वहाँ पे जाते हैं, क्या नाम है आपका, काशी विश्वनाथ मंदिर में। और देखिए हम जितना लाए थे चिड़िया को खिलाने वाला सब ख़त्म हो गया है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं फेंकने का, अब फेंकने से देखिए कोई आता है कि नहीं आता है। और देखिए और ये वाला बोर्ड देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये सामने जो आ रही है बोट और चिड़िया, वाह कितना सुंदर नज़ारा भाई साहब, क्या बताएं आप लोगों को, एक बार आप लोग जरूर आइएगा बनारस। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं राजा घाट, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली। और देखिए खाने के लिए कोई नहीं आ रहा इसीलिए हमको फेंकना पड़ेगा, देखिए और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है साइबेरियन। और हम लोगों के साइड आएगी तो उसको लूटेंगे जरूर, क्योंकि ये बचपन में लूटा करते थे हम लोग। शाम को यहाँ पे आरती होती है जिसके लिए बहुत दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शाम वाला वीडियो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र घाट है, वो जो सामने दिखाई दे रहा है वहाँ पे जो जल रहा है धुआं निकल रहा है वहाँ पे, और ये राजा हट घाट है। सब करिया हो गया देखिए, खाली यही एक गोर है और ये आए सफाई करे वाली ना है। हम लोग अब गंगा जी में नहाएंगे, ना डुबकी लगाने के बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। बताओ राजा घाट पहुंचे हम लोग और ये सारा डिटेल बता रहे हम लोगों को, और देखिए यही राजा घाट है, ये रहा सामने राजा घाट।
देखिए गंगा जी के पास से बनारस कितना खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ से देखिए गंगा जी कितनी खूबसूरत दिख रही हैं। आप बताइए पांडे घाट, ये पांडे घाट है। पांचों पांडव जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे स्नान कर कर वहाँ पे दर्शन किए थे, दर्शन कर कर यहाँ से गए थे। तो जो यहाँ दर्शन किए थे तो पांचों पांडव के नाम से घाट प्रसिद्ध हो गया, पांडे घाट के नाम से उस घाट का नाम रखा गया है। इसके बगल जो घाट है उस घाट का नाम दीपकिया घाट, ये दीपकिया घाट रखा। कहते हैं कि काशी में आने के बाद कोई भूखा नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे सुबह सब हरे राम हरे सीता करेंगे तो दोनों टाइम पर खाना मिलता है। ये चौसठी घाट है, चौसठी माता का मंदिर है। साल भर में दो हली खुलता है, सावन में नवरात्र में। हाँ वो सामने जो बंद है ना वो मंदिर है। हाँ गेट है। इसके बगल में जो घाट है उस घाट का नाम राणा महल घाट, राणा प्रताप सिंह का ये कोठी था सामने वाला। कहते पहले के जमाने में जो राजा थे वो बहुत दानी थे, बनवा बनवा के दान कर देते थे। और ये जाते वक्त वो दान कर दिए थे यहाँ से। जो पहले के जमाने में देखे होटल वोटल नहीं होगा तो जो बनारस घूमने आते थे तो अपना अपना वो था, किला था, किसी का कोठी था, इसी तरह था। इसके बगल में जो घाट है उस घाट का नाम मानसरोवर, दरभंगा घाट। बिहार के राजा मानसरोवर का एक किला है, ये सामने जो दिखाई दे रहा है दरभंगा घाट, ये उनका किला है। इसको बिजरामा पैलेस के नाम से जाना जाता है। बनारस का सबसे महंगे होटल में एक है, 35,000 से नॉर्मल स्टार्टिंग है। हाँ होटल है क्या? ये होटल है, ये सामने लगा हुआ है जहाज जो बजड़े में है। इसका नाम बजड़ा है। ये आरती के टाइम खुलता है दिखाने के लिए, 6 लाख रुपया महीना लेता है ये जो होटल है उससे। ये सामने बिजरामा पैलेस, हाँ 6 लाख रुपया महीना। इसके बगल में जो घाट है उस घाट का नाम है मुंशी घाट। प्रेमचंद मुंशी हिंदी राइटर जो भारत के थे उन्हीं के नाम पे इस घाट का नाम मुंशी घाट रखा गया है। होलकर, अहिल्या बाई होलकर जिसने विश्वनाथ मंदिर का पूर्व आविष्कार करवाया था, उस समय के वक्त में कई करोड़ रुपया दान दी थी विश्वनाथ मंदिर बनने के लिए। सामने वाला ये बनारसी फैक्ट्री है, बनारसी साड़ी बनता है हर वैरायटी का। देखिए लिखा ना अहिल्या बाई होलकर, अहिल्या बाई घाट के नाम से जाना जाता है इस घाट का नाम। इसके बगल में जो घाट है उस घाट का नाम है शीतला घाट। ये छोटी शीतला माँ का मंदिर है, यहाँ पे आदमी दर्शन वर्शन करता है, यहाँ से जाता है वहाँ दर्शन करने के लिए। शीतला घाट बड़े वाला जो पड़ता है। शाम को यहाँ से लेकर उतना दूर तक आरती होता है। इसके बगल में जो घाट है उस घाट का नाम है प्रयाग घाट। इसके बगल में जो घाट है उस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। हाँ ये सामने, ये पूरे घाट में पूरा घाट ही दशाश्वमेध आता है। हाँ ये घाट है दशाश्वमेध घाट। कहते हैं यहाँ ब्रह्मा जी आते दशरथ जी, और ब्रह्मा जी दशरथ जी स्नान करके यज्ञ किए थे, यज्ञ करके 10 घोड़ों का बलिदान दिया था, इसीलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बगल में जो घाट है उस घाट का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस घाट का पूर्व आविष्कार कराया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस घाट का पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के। मान मंदिर घाट जयपुर राजा मान सिंह का किला है, ये सामने जो दिखाई दे रहा है। आदमी जाता है तो अपना दिखता उखता भी है, और जो साधन वोधन फ्री भी रहता है थोड़ा। समय के वक्त में इसका नोटों के गद्दे पे सोता था, उसके लिए सोफा था, उसको यमराज कहते थे।
इतना पैसा था वो कि इस समय के वक्त में अगर जोड़े तो मुकेश अंबानी टाटा, रतन टाटा, गौतम अदानी भी उसके नीचे हैं थे, इतना पैसा उसके पास था। इसके बगल में जो घाट है उस घाट का नाम है त्रिपुर भैरवी घाट। भैरव नाथ का मंदिर ऊपर के साइड में, इसीलिए इस घाट का नाम त्रिपुर भैरवी घाट रखा गया है। सामने जो दिखाई दे रहा है ये नेपाल का टेम्पल है। हाँ, ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का गेट है, ये तीसरा द्वार है। यहाँ से घुसकर आप कहीं भी जा सकते हैं, 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर। ये सब सर पहले का बिल्डिंग है, डोर नरेंद्र मोदी जी ने इसका न्यू आविष्कार करवाया है। ये लाइट बढ़ता है, नई लाइट है, लाइट। तो दोस्तों देख सकते हैं संसार का सच बस यही है। ये मणिकर्णिका घाट है और देखिए देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ कभी चिता का आग बुझता नहीं है और जलते रहता है, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे जलते रहता है। देख सकते हैं दोस्तों फॉरेनर बाहर जाए विदेश से, और ये सब बोर्ड थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 2000 रुपये पड़ता है। देखिए कितना कैमरा लगा हुआ है, अनगिनत। तो दोस्तों यही है मणिकर्णिका घाट और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों यही गंगा घाट के किनारे यही मेन गेट है, काशी विश्वनाथ टेम्पल का। तो ले चलते हैं अंदर। और देख सकते हैं कितना स्पेस है और जल्दी जल्दी जाएंगे दर्शन करने के लिए, आप लोगों को भी जल्दी से दर्शन करवाते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं महाकालेश्वर भवन और त्रिंबकेश्वर भवन और यहाँ पे फूल प्रसादी ये सब मिलता है। यहाँ पे ये सब यहाँ से दोस्तों फूल प्रसादी लिया गया। अब अंदर चलेंगे, सब कुछ ले लिए हैं और देख रहे हैं नहाने के बाद चेहरा कैसा हो गया है। और ये बिचारी अभी पूजा के चिल्ला रहा है शुभंका मम्मा, और हम लोग चल रहे हैं ऊपर महादेव के मंदिर काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं आप लोगों को लेके। यहाँ देख सकते हैं सोमनाथ भवन है,
इधर जो दिखाई दे रहा है ये वाला सामने ये, और अंदर चलेंगे अब। और यहाँ पे गाना वाना बज रहा है जिसके वजह से कुछ नहीं बोलेंगे आप लोगों को। चलो पे ठंडा थोड़ा कम लग रहा है दोस्तों। वहाँ पे रहे हमारे महादेव, वो जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। अंदर में मोबाइल फोन ये सब अलाउ नहीं है, इसीलिए गेट नंबर 1 से हम लोग जा रहे हैं। तो यही मंदिर जाने का रास्ता है ये, हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे। के अंदर फोन अलाउ नहीं है तो बाहर निकलेंगे तो आप लोगों से मिलेंगे, और आरती बाकी है वो भी दिखाएंगे। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है ना, यही मंदिर है और यही मेन गेट है, और मोबाइल उबाइल यहाँ पे जमा हो जाता है, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो देखिए यही है, तो अब हम लोग दर्शन कर लिए हैं फाइनली, अब उसके बाद बाहर चलेंगे। तो इधर देखिए इधर का नज़ारा, उसके बाद चलते हैं बाहर। तो हम लोग यहाँ से दर्शन करके बाहर जा रहे हैं, और देखिए यही पीछे मंदिर है ये वाला। तो यही दोस्तों पीछे मंदिर है, चल रहे हैं। Thank you.
तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है आरती, गंगा आरती, और देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे अटके हुए हैं। देखिए गंगा जी से कितनी दूरी पे हम लोग, जगह नहीं मिला जिसकी वजह से इधर आए हुए हैं। और देखिए अभी भी बहुत जन को जगह नहीं मिला है। देखिए सब कहाँ कहाँ से घूम रहे हैं, किधर किधर, और ये जनरेटर के उससे बहुत नॉइस हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग। यहीं से स्टार्ट किया था दोस्तों और यहीं पे फिनिश करेंगे। और ये देखिए नाइट में गंगा जी कितनी खूबसूरत दिख रही है। अभी भी आरती हो ही रहा है, बट ये नौका वाला हम लोगों को लेकर भाग आया इधर। और देखिए चारों तरफ हम लोग उधर नहाए थे, उधर जो दिख रहा है उधर नहाए हुए थे। और देखिए सब ये सब घूम के ये राजा घाट होते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। और फोन में बैटरी भी नहीं है ज़्यादा, तो मिलते हैं। नमो नमो। और यहाँ पे भी आरती होती है यहाँ पे, बट अभी नहीं हो रही है। अनुकूल भाई चला हुआ। तो दोस्तों गंगा आरती देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं 80 घाट, फिर वहां से रिटर्निंग होंगे। तो दोस्तों पंचकोट घाट, और देखिए उधर उतना भीड़ नहीं होता है। 80 घाट से सबको शास्त्र विद्या सिखाया जाता है। जैन घाट देख लीजिए यहाँ से, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये जैन घाट घाट पे भी आरती हो रही है अभी भी, और देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को, ये जो हो रही है ना यहाँ पे।
चलिए सामने चलते हैं। दोस्तों देखिए अस्सी घाट में अभी भी आरती हो ही रही है। ये सब लाइट का रिफ्लेक्शन है, आपको पता ही आईफोन जिसके पास होगा। आजी नैने से देखो एजेक्ट से दोनों अच्छा आई रहता। और देखिए मम्मी बैठी है चुपचाप। और ये देखिए निंजा टेक्निक यहाँ पे है, ये उससे बड़ी है। तो दोस्तों ये रहा रीवा घाट, और यहाँ पे देखिए दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए कितना रिस्क लेके वीडियो बना रहे हैं, हम भी चाहते हैं तो कमेंट में हर हर गंगे लिख दीजिएगा। तो दोस्तों यहीं पे आरती हो रही थी यहाँ पे, और देखिए शीतला घाट है दोस्तों, यहाँ पे आरती हो रही थी बहुत जबरदस्त। कसा सेव में घाट यहाँ का आरती दे। तो दोस्तों देखिए नाइट का व्यू कितना ही सुंदर दिख रहा है चारों तरफ। ना भैया दोस्तों काशी विश्वनाथ का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट भी लिख दीजिएगा हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत हर हर महादेव।